हेलो हेलो, कौन? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मैजबीन और मैं हूँ सबरी। तो आज हम दोनों फिर से करने वाले हैं हॉन्टेड कॉल्स। आप लोगों ने बोला था कि जब है ना भूत फोन उठाए तो फोन को है ना मतलब आप लोग बात करो, हम लोग डर जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि अगर कोई भूत हमारा फोन उठाएगा तो हम बातें करेंगे, ठीक है? देखते हैं, हिम्मत करेंगे हम। आज हम बातें करेंगे। अब बस ये है कि अब भूत कॉल प्लीज उठा लेना। हाँ, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं भूतों को कॉल लगाना, लेकिन पहले लाइक कर देना। चलो स्टार्ट। तो अभी जो हम फर्स्ट नंबर पे कॉल करने वाले हैं वो है 408-634-2806। तो इस पे लिखा हुआ है ये एक रेड रूम नंबर नहीं है, और इस पे अगर हम कॉल करेंगे तो हमें ये सुनाई देगा, कोई बोल रहा होगा ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल। ओ भाई, और एक स्पूकी म्यूजिक बॉक्स भी चल रहा होगा और हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। ओ भाई, ये कौन सी बात हो गई, कोई फोन उठाता है या नहीं देखते हैं। चलो ठीक है, मैं अपने नंबर से ही कर रही हूँ। ओ मेरे फोन से भूत निकलेगा, चलो बताओ। 408। ओ भाई, काट दिया फोन। एक बार कॉल कर, फिर से कर। यार ये फोन काटे जा रहा है, क्या हो गया? मैं तो बार बार कर रही हूँ लेकिन वो काट रहा है जो भी है। ओ भैया, आज हम रेडी है तो फोन कट हो रहा है। उसके हाथ में फोन है इस टाइम पे। तुम ही हो वो भूत, तुम ही हो। यार आप लोग सोचो कि है ना हम कॉल कर रहे हैं, रिंग भी हो रही है, फोन कट क्यों हो रहा है? फिर ये तो अजीब लग रहा है यार। मुझे भी बहुत डर लग रहा है इस फोन। मैं तो सबसे पहले ब्लॉक करूँ भाई। यार ब्लॉक करती जाना, पता चला तुमने छोड़ दिया, कॉल बैक आ गया तो। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट नंबर पे ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा, ये एक कर्स्ड नंबर है, ये नंबर हम ट्राई करने वाले हैं। इस नंबर पे अगर हम फोन करेंगे तो हमसे वो हमारा नाम पूछेगा। अच्छा, मतलब कॉल उठाएगा। ओके ठीक है, हमें तो यही करना था। उससे हमारी लोकेशन पता चल जाएगी हमारा नाम सुनकर ही, और वो हमारे पास आकर हमें मार देगा कैसे भी, वो कुछ भी करके मतलब मार देगा। उसे किल करना है, जिसका भी कॉल आएगा उसे किल करना है। कभी ये वाला करें हम? यार सबने कहा है कि मतलब करने के लिए, तो मैं तो करना चाहूंगी। यार मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। नहीं, मैं अपने फोन से कर रही हूँ, मैं अपना नाम बात। तो नंबर है हमारा 003615-9608। डायल करो ये वाला नंबर, देखते हैं क्या होता है। द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। अच्छा, अमान्य। मार देता नहीं तो। मरने का बड़ा शौक हो रहा है। अरे बात करने का था यार। यार जब भी हम लोग हॉन्टेड कॉल्स करते हैं ना तो पता नहीं, मुझे तो बड़ा ही डर लगता है। ऊपर से रात में करते फिर तो और यहाँ पे करते तब तो और डर लगता है। तुम डरपोक इंसान, मुझे किसी चीज से डरवा नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं डरती। मुझे भूत से बात करा दो, कुछ भी करा दो, एक भूत को तो झेल ही रही हूँ। अल्लाह करे एक किसी का नंबर लग जाए और वो फोन उठा ले और वो बात करे। देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। मत देख लेना आज, अब कॉल तो उठाओ। चलो ये वाला अमान्य था, लेकिन यार पहले वाला का तो रिंग हो रहा था। तो नेक्स्ट कॉल करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आपको तो पता ही होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपनी ज्वेलरी खरीदी है, मतलब रिंग और ये सब चीजें खरीदनी स्टार्ट करी है। तो बहुत सारे लोग जो है वो ये सब चीजें करते रहते हैं अपनी फ्यूचर सेविंग्स के लिए, जैसे कि कोई अपनी बेटी की शादी के लिए करता है, कोई बेटे की शादी के लिए करता है, गिफ्ट्स के लिए करता है। और ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। जैसे कि आज से 5 साल पहले गोल्ड की वैल्यू उतनी नहीं थी जितनी आज इंक्रीज हो चुकी है। आपको तो वैसे पता ही हुआ कि अब हम गोल्ड को डिजिटली भी बाय कर सकते हैं अपस्टॉक गोल्ड ऐप की हेल्प से। ये मुझे इजियर, फास्टर और सिक्योर लगता है। इसमें 100% गोल्ड सिक्योर वॉल्ट में रहता है, जिससे आपको गोल्ड को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं ऑनलाइन लाइव मार्केट पर। मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं इस पैंडेमिक टाइम पे। तो मैंने तो अपने पॉकेट मनी से स्टार्ट किया था। इसमें आप 1 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहाँ 24 कैरेट गोल्ड होता है और 99.9% प्योरिटी, और मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगेंगे, बस 3% GST देना पड़ता है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? सिंपल एंड फास्ट फ्री अकाउंट ओपनिंग है अपस्टॉक्स गोल्ड पर। आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके देखो। मैंने तो करके देख लिया है, आगे भी करूंगी, आप भी ट्राई करो। जल्दी होम डिलीवरी भी स्टार्ट होने वाली है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाओ और अपस्टॉक्स गोल्ड ऐप डाउनलोड करो। चलो दो जल्दी से दूसरा नंबर। तो यहाँ पे एक नंबर है जिसपे लिखा हुआ है कि फिशिंग इन अ माउंटेन स्ट्रीम इज माई आइडिया ऑफ अ गुड टाइम, और बहुत सारे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, स्मोक poured out of every crack. These are the kinds of sentences you'll hear if you dial this number. Oh bhai, ये है ना, ये जो जितने भी sentences ये किसी दो लोगों से, दो लोग मिलकर बोल रहे होंगे। ये एक female हो, एक female voice होगी और एक male voice होगी। Oh my god, दोनों भूत, वो दोनों एक साथ बैठे होंगे। चलो ये number try करते हैं। 858-651-5050।
हेलो हेलो, कौन? तो ये वाला नंबर, यार ये वाला नंबर तो काम कर रहा है, इसने फोन भी उठाया है। ब्लॉक कर पहले इसको, पहली बार बात की यार, यार समझ में नहीं आ रहा कैसे कर लिया। तो बोला हेलो कौन, मुझे जवाब आएगा हम बोल रहे हैं कि नहीं आया। पागल, इस पे ना आंध्र प्रदेश दिखा रहा है पता नहीं क्यों। हाँ पता नहीं, ये तो लोकेशन तो कहीं की भी दिखा देती है। नींद गई, अब हमारी रात की नींद चुरा ली इस नंबर ये हर ने। बार बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। यार ऐसे डराया मत कर, कुछ आवाज आई ना हाँ ऐसे भी। बहुत मुझे लगा इसके अंदर भूत भूत आ गया भाई। वो ऐसे ही फोन में सेंटेंस नहीं बोला उसने, कहीं इसके अंदर घुस गया हो इतनी देर में। पागल यार ऐसे मत क्या करो। तो अभी हमारा नेक्स्ट नंबर जिसमें हमें कॉल करनी है और फिर उससे पूछना इज दिस द क्रस्टी क्रैब, और बस इस पे यही लिखा हुआ है, इस पे और कुछ है नहीं। और ये हॉन्टेड नंबर है। हॉन्टेड तो हो गए, हॉन्टेड कॉल कर रहे हैं। चलो नंबर बताओ। 4032445544 क्या पूछना है? इज दिस द क्रस्ट किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। लिख कर तो उसपे ऐसे लिखा है कि है ना, जैसे फोन उठाएगा और हमें पूछना इज दिस द क्रस्टी क्रैब। हाँ लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, मानने बता देता है। यार तुम्हें जब मैं, हम लोग अब उससे बोल रहे हैं कि कॉल उठाओ तो उठा के नहीं रहे भूत। चलो जल्दी से टाइम बिना वेस्ट किए हम नेक्स्ट हॉन्टेड कॉल पे घुसते हैं। चलो 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 जल्दी चलो। तो अभी जो हम नेक्स्ट नंबर पे ट्राई करने वाले हैं उसके बारे में सुनकर तो मेरा दिल दहल चुका है, क्योंकि वो जो जिसको हम कॉल करेंगे वो अपनी कब्र में होगा, ग्रेव में होगा, और वहां से वो बात करेगा। ओ भैया तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। एक वाली बात नहीं है यार, हंसी रही हो। कोई अपने कब्र में फोन लेके सोता है बताओ जरा? नहीं, कोई डर लग रहा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और जब हम वो फोन उठाएगा तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्रीपी साउंड सुनाई देगा, बहुत ही अजीब सी आवाज आएगी। अब पता नहीं कैसा होने वाला है। करो डायल 9512623062। आपने जिस वोडाफोन नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल स्विच्ड ऑफ या ओ भैया कस्टमर है, तो अब वॉइस एसएमएस भेजने के लिए टर्न दबाकर मोबाइल नंबर डायल करें। चार्ज सिर्फ 75 पैसे प्रति मिनट। समय जो वोडाफोन नंबर में संपर्क साथ मामला को छो ते मोबाइल स्विच्ड ऑफ छे वॉइस एसएमएस मोकली शको छो। हटाना। पागल यार ये नंबर चलता है, गुजरात का नंबर है। गुजरात का नंबर नहीं है पागल, बहुत हर लैंग्वेज में बता रही थी वो। स्विच्ड ऑफ है, वो अपनी कब्र में मोबाइल लेके सोया है और वो स्विच्ड ऑफ ने वोडाफोन का कस्टमर है वो। और उस पे बता रहे थे कि वॉइस मैसेज भेजना है तो भेज दो। कॉल रोक दी गई है। अभी दूसरी बार ट्राई किया तो ये बोल रहा है क्या है? कॉल्स रोक दी गई है, कोई मीटिंग में होगा भूत। नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल स्विच ऑफ यानी बंद है। अगर आप और सच में डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा यार, स्विच्ड ऑफ है फोन, इसका मतलब वो चलता है। अब तो आवाज ही नहीं आ रही। पागल है क्या? रुक जाओ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? फिर से चुप। हेलो 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 हेलो, मैं एक और बार कॉल करूंगी। यार ये कौन है जो फोन? हेलो हेलो भूत, हेलो हेलो। यार ये कुछ बोल नहीं रहा और ये बार बार कट हो रहा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि चार बार बार हो गया। तुम्हारा द्वारा डायल करवामा आवेल नंबर हालमा व्यस्त छे, कृपया करी वो हमें कॉल कर रहा होगा। अच्छी प्रयास करो। हेलो 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 हेलो, बोला उसने।
ये पता नहीं कोई मुझे इंसान लगा, भूत नहीं इंसान लगा, और डरावनी हॉन्टेड नंबर है ये, हॉन्टेड नंबर। हाँ तो वो भूत ही है, और ये कोई आदमी है, इस पे लिखा हुआ था कि ये अपनी कब्र में है ना फोन उठाएगा। इसने तो बहुत ही देर बाद बोला है कुछ, बहुत देर बाद। आपने सुना ही होगा कितनी अजीब आवाज आ रही थी, उसके बाद इसने हेलो बोला है। पहले मैं इसको ब्लॉक करती हूँ यार, पता नहीं कौन है यार। ऊपर से पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ जिसने बात की है हम लोगों से, मतलब बात ऐसे की, मतलब कॉल लगाकर छोड़ दिया, तो वो भी कुछ नहीं बोल रहा। हंसी आ रही थी, मुझे भी हंसी आ रही थी। एक तो सारे लैंग्वेज में पहले बताया स्विच ऑफ है, फिर बताया बिजी है, उसके बाद रिंग होने लगी, उसके बाद फोन उठा लिया। वाह भाई वाह, ये कौन सा नंबर है वोडाफोन का? यह दुनिया का सबसे मनहूस मोबाइल नंबर है, जिसने भी यूज किया है मौत आ गई उसके पीछे पीछे। 0888888 स्पीकर स्पीकर। यह ISD कॉल करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इस कॉल को रद्द करने के चलो मैं करती हूँ। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ले। अभी तो तुम्हारे में बोल रहा था कि वो नंबर दिखाना कितना था। अवेलेबल नहीं है, मतलब बात करने के लिए जो भी है। इसका बात नहीं करूंगी, नहीं मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। Your call cannot be completed as dialed. Please hang up and try your call again or contact customer service. Your call cannot be completed as dialed. Please hang up and try your call again or contact customer service. अब इससे पहले तो किसी और ने बोला। एक और बात करो। नहीं मैं नहीं करूंगी, हट, मेरे पैसे खत्म हो गए। आप लोग बताना कि आपको कुछ सुनाई दिया या नहीं, मुझे बहुत अजीब लगी ये कॉल। पहले ब्लॉक करने दो भैया। देखा मैंने बोला था ना वो 10 नंबर नहीं था, उस पर कॉल नहीं लगा, इस पर मैंने सही से कॉल किया, इसको डिलीट भी करो। तो ये जो अभी नंबर हम कॉल करने वाले हैं ये बहुत बहुत ही डरावना है, बहुत लिखा है। हम जिसको भी कॉल करेंगे वो किसी क्लाउन के पास कॉल जाएगी, और जब हम किसी पार्टी या कहीं भी बाहर जाएंगे, कहीं भी, वो हमें एज अ फ्रेंड मिलेगा और हमारी इससे बात होगी, और पता नहीं शायद वो हमें मार भी दे। वो मतलब किसी भी रूप में आ सकता है, वो फ्रेंड के रूप में आ सकता है, या फिर पार्टी में आप कहीं गए हो तो उस भीड़ में कहीं भी वो आ सकता है। लेकिन मिलेगा आपसे आकर, मुझसे जो भी कॉल करेगा। ये नंबर है 4077340025, और अब हम कॉल करने वाले हैं। सुन तो लो उसकी बात, कौन है यार ये मेरे नंबर का? ये पागल है सच में, इसको पता नहीं बहुत जल्दी, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें पागल हो तुम, सुन तो लो उसकी बात, ले जा चली जा उसके साथ। पागल। अब डर लग रहा मुझे, अब सच में मुझे सबसे ज्यादा डरावनी कॉल यही लगी। भाई इसने तो बात की पूरी क्लाउन बोला, क्लाउन, और वो कितनी गंदी हंसी थी। तो बस अब मैं नहीं कर पाऊंगी आगे कॉल, मेरा सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, बहुत डर लग रहा मुझे। इसके बाद इस पे लिखा हुआ था ये फोन जब उठाएगा तो उसके बाद किसी भी फ्रेंड के रूप में आएगा, या फिर कहीं भी पार्टी में मिलेगा ये और मार देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमने इतनी हिम्मत करके यार है ना ये कॉल्स उठाए हैं, तो आप लोग प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो जल्दी जाइए और आप लोग फॉलो करिए। तो अब हम दोनों मिलेंगे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।